अच्छा गोविंदा सर, ये जनता के सवाल है, ठीक है? जनता के ना? हाँ, जनता है, माय बेस्ट फ्रेंड जनता इधर ही बैठा होगा। ये कभी कभी ऐसा होता ना कि हम बाहर से चाय पी के आए और घर पे आके को पूछे कि चाय पियोगे तो आदमी बोलता नहीं मैं बाहर से पी के आया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो, भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे अरोमा बड़ा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ? मैं सच कहूँ आप शर्मा हो नाम से, पर मैंने शर्मा शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सुनीता मैम, कभी ऐसा हुआ कि आप गोविंदा सर से ऐसी जगह टकरा गई हूँ जहाँ नहीं मिलना चाहिए था? कहाँ टकराई थी यार आपसे? कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं। गोविंदा सर, कभी ऐसा हुआ कि घर में कभी नोकझोंक हुई हो भाभी से और उसका गुस्सा सेट पे जो आपकी वाइफ बनी है उन पर निकल गया हो, या घर का अधूरा प्यार मतलब जो मार तो नहीं मार दिया? सेटिंग घर में हो या बाहर हो, हाँ। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज। सबसे बड़े सेटर है ये। सेटर। भाभी, ऐसा कभी हुआ है आप इनके सेट पे पहुंची हो और इनका वहां पे रोमांटिक सीन चल रहा हो और आपको देख के इन्होंने बोल दिया हो कि आज एक्शन कर लेते हैं? मैं नहीं कर पाता इसके आगे रोमांस, आई स्वेयर नहीं कर पाता, मुझे वाकई शर्म आ जाती है। मैं आज तक इसके आगे कभी रोमांस ही नहीं किया, ये आ जाती है सेट पे, मैं कहता हूँ यार अभी थोड़ा ठहर जाए, निकल जाए फिर शॉट देंगे। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई को एक्टर जो आपके साथ फिल्म में काम कर रहे हो आपको घर से पिक करने आ गए हो कि मैं ही लेके चलता हूँ कहीं मुझे इंतजार ना करना पड़ जाए? अरे कब आएगा यार घर में, मैं तो इतने सेट पे होता था, इधर से उधर उधर से इधर, प्रोड्यूसर ढूंढने में लगे रहते थे। वो एक्टर्स कहाँ से बेचारे ढूंढेंगे मेरा? हमने एक बार ऐसा किस्सा सुना था कि बच्चन साहब आपको पिक करने आ गए थे कि अरे मैं साथ में ले चलता। नहीं नहीं नहीं, बच्चन साहब के साथ जिस वक्त फिल्म की मैंने, मैं पहले दिन कह दिया था सर मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ और आप मशहूर हैं कि आप टाइम पे आया करते हैं, तो प्लीज आप देखिएगा जरा आपके जो जितने चेले चपाटे लोग हैं ये कहीं मेरी बैंड लगा देंगे तो फिर इट्स वेरी टफ। पर बच्चन साहब की ये खासियत है वो कभी भी शब्द के खिलाफ नहीं जाते, आप कभी शायद उनके मुंह से सुन लेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने कभी गलत कहा हो, नेवर, बिल्कुल कभी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो ऊंचाई पे आते हैं ईश्वर ने जो प्रदान किया होता है उसी वजह से वो पहुंच पाते हैं, बिल्कुल। वो तो हाथ जोड़े जोड़े घुमा करते हैं। अरे अमित जी, मतलब शक हो जाता है आदमी को ऐसी शराफत पे के यार। अर्चना जी, हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। जब मैं बहुत खुश होता हूँ ना तो मैं ये जूते पहनता हूँ। अच्छा। तो खुश किस लिए हैं आप? क्योंकि आज ये जूते पहने। ये अपने आप सोचना चाहिए मैं क्यों खुश हूँ। आज सारी दुनिया खुश है देखो, क्योंकि गोविंदा जी आए हैं, सुनीता जी आए हैं, कौन खुश नहीं। सर, मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, स्क्रिप्ट मुझे याद है लेकिन फिर भी मेरे पास तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर, मैं ना कॉमेडी में, एक्टिंग में, डांस में, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। ये सच है, मैंने अंगूठा भी कटवा दिया अपना। अंगूठा तो आपका ठीक है? नहीं, अंगूठा मैंने अपना नहीं, अपने फ्रेंड का कटवाया फिलहाल। पता नहीं सर, आई लव यू। नहीं, वो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है, कभी वो मेरे नाखून कटवा देता है, कभी कपड़े अपना चलता है। लेकिन बहुत बहन सर, एक बात बताइए
कि हर फिल्म मैंने आपकी देखी है, सब फिल्मों में हीरोइन अलग अलग होती है, देखा ना आपने? हाँ। जब टीवी शो देखो तो यही हीरोइन होती है। अरे उनकी वाइफ है वो, कौन सी हीरोइन से काम है, चोर का तालियां। ये है ना गोविंदा सर, ये मेरे ऐसे दूर के चाचा हैं फालतू में, ये आप चलती इंटरव्यू में क्यों घुस आते हैं आप? जब मैं रुकी में आता हूँ तो तुम बोलते हो जाए चाय लेके आओ पानी लेके, मेरी बड़ी बेइज्जती। सर पता क्या है कि मैंने एक कलाकार की भावना, सर आप ही समझ सकते हैं, मेरे बचपन से इतने सपने थे कि मैं भी एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी गोविंदा ही जैसा सुपर स्टार बनू। एक सपना तो मेरा आज पूरा हो गया। कौन सा? कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा बाकी सपने भी मैं पूरे करना चाहता हूँ, मुंबई में मेरी नींद नहीं पूरी होती, मैं क्या करूँ? क्यों? और जब मैं सोता हूँ पुलिस वाले उठ ये फुटपाथ तेरे बाप का है, तो यार मेरी समझ में नहीं आता, फुटपाथ के मैं ऊपर नहीं सो सकता, ब्रिज के मैं नीचे नहीं सो सकता, समंदर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सड़कों पे गाड़ियां चलती, मैं सपने कहाँ लूँ? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मैं दिल से कहता हूं कि मैं गोविंदा तो बन के ही रहूंगा। अच्छा, चाहे मैं अगली उम्र में ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है। स्ट्रगल हमने गोविंदा जी ने एक ही टाइम पे स्ट्रगल शुरू की थी, मुझे आज भी याद है। क्यों झूठ बोल रहे हो, वो आपसे छोटे हैं, ऐसे एक टाइम पे कैसे शुरू कर दी? नहीं नहीं, वो विरार से 9 बजे निकलते थे, मैं इधर घाट गोपर से निकलता था 9 बजे, टाइम एक ही था। लेकिन स्ट्रगल की क्या बताएं, मैंने तो उनके साथ काम भी किया है। उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि आपने काम किया है। अरे सर वो जो फिर मैं वो उनके साथ किया जो आपके साथ ही मिलते जुलते हैं, वो क्या, करिश्मा कपूर जी। करिश्मा कपूर इनके साथ कहाँ मिलती जुलती है? अरे सेट पे वो फिल्में करते तो क्या आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे? हम नहीं मिलते जुलते, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं है, देखो फिल्मों की स्ट्रगल जो है ये अलग है, मैंने तो जीवन में पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है, मेरे परिवार ने स्ट्रगल की है। मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन एक दिन अचानक उनको पड़ोसन के साथ भागना पड़ा। नहीं गलत नहीं, गलत नहीं थे वो, उनका वैसे चक्कर था आपस में, होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे जो चक्कर होते हैं ना मेरे पिताजी के थे, उसके बाद लाइफ में सब उलट पुलट हो गया। मतलब पहनने के लिए चावल नहीं, खाने के लिए जूते नहीं, ऐसे हालात हो गए हमारे। अरे पहनने के लिए जूते, खाने के लिए चावल, मैंने बोला ना सब उलट पुलट हो गया उसके बाद। मैं अर्चना जी एक मेरी फरमाइश कर दीजिए गोविंदा जी को कि मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे सर। क्या? प्लीज मेरी बायोपिक में वो काम कर दो आप, एक्टर। बायोपिक? वो आपकी बायोपिक में काम क्यों करेंगे? कोई बात नहीं, वो सुपरस्टार हैं, तुम कर दो। तुम कर दो, देखो ठीक है बताओ क्या कर दो, पर मेरी एक शर्त है। एक तो तू कपिल वो नहीं करेगा इसमें कि वो इधर से एंट्री लो इधर से एंट्री लो, काजू नहीं खाने, सेलिब्रिटी से फोटो नहीं खिलाने, ये तेरा कोई रोल नहीं इसमें। अच्छा, क्योंकि बायोपिक मेरी है। ओके ठीक है, तो इसमें कहीं कोई बाइक खड़ी होगी, इसको जाके उधर पिक करना है। सर तो अच्छा ऐसा है कि देखो जिसकी बायोपिक होती है ना उसको यही होता है कि मेरी जो कहानी है वो ना हिले। नो प्रॉब्लम, आप स्टोरी सुनाओ। आप एक लड़का है जो गांव में जन्म लेता है, आपकी बायोपिक है। हाँ जी, गांव में अभी गर्मी बहुत है, लंदन वंडन रख लो ना। कर लो बस, मेरा तो ये मेरी स्टोरी ना हिले, मेरा जन्म कहीं भी करवाओ मेरी कहानी सच्ची रहे। ठीक है ठीक है, और बच्चा जब बड़ा हो गया वो अनपढ़ है। नहीं अनपढ़ नहीं, वो लंदन में अनपढ़ होते नहीं। तो कर लो मेरे, बस मेरा तो यह है मेरी कहानी ना ले। वो लड़का जब बड़ा हो जाता है बॉलीवुड में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। नहीं वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, सिंगर, सिंगर बना लो। कोई बात नहीं सिंगर बना लो, बस मेरा यही मेरी स्टोरी ना ले। ठीक है हाँ। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो लड़का है सिंगर बनना चाहता हाँ। है वो लड़के की जगह अगर लड़की कर दे उसको तो। हाँ वो तो तुम्हारा काम है, लड़कियों को लड़की बहुत अच्छी बनाते हो तुम, बना दो। मेरा है कि मेरी स्टोरी ना ले। देखो आपकी कहानी में दम नहीं है, ये तो हमारा टाइटल है। कैसा लगा आपको कहानी में दम नहीं मेरा टाइटल? ठीक है ना टाइटल? नहीं नहीं हमें मजा नहीं आया, ये सोचा था लेकिन हमें मजा नहीं आया, ये टाइटल भी आया, ये टाइटल नहीं रखा। नहीं नहीं, अरे हमें आपकी फिल्म बकवास लग रही है, हमें नहीं करनी। बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारी फिल्म नहीं करनी, बहुत बहुत लंबा टाइटल है। ना ना ले रहे लहर साहब, मैं पुलिस बुला लेनी है, ये अच्छा है लेकिन हमारी कहानी पे नहीं जाएगा। पुलिस बुला लेनी है मेरी बायोपिक, पुलिस का क्या काम? देखिए ना तो मुझे, ना गोविंदा जी को, ना अर्चना जी को, ना ऑडियंस को, किसी को आपकी फिल्म नहीं करनी है। तो नहीं करनी तो फिर टाइटल के लिए इतनी डिस्कस क्यों कर रहे हो?
बोल तो ना। चलो कोई बात नहीं सर, नहीं तो ना सी, मैं एक गाना गा दूं, आप अपनी फिल्म में कहीं मौका मिले तो मुझे रख लेना। गाना आपको सुनाऊं सर? तू जितने भी काम करता है तू एक क्यों करता है, मतलब कि तू करा क्यों? इजाजत मिल गई है। प्लीज कम द हारमोनियम, या नीचे रखो। पक चिक पक राजा उठ चुप टूट पिक बाबू। ये क्या टूथ पिक कहाँ से आ गया बीच में? वो मेरे पिक में थोड़ा टिक हुआ है। कहीं आनी पिक में टिक हुआ है, चिक में टिक हुआ है, टिक हो जाना थोड़ा सा। अच्छा ऑडियंस, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, गोविंदा जी का कोई भी गाना आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं, मैं सुनाना पसंद करूंगा। इतनी बर्दाश्त है आप लोगों में? सर चाचा जी मैं फरमाइश, एक सेकंड, फरमाइश आ गई। हाँ जी सर, कायलो खटिया। हाँ ये तो मेरे मन पसंद है। तो पेश है किसी होटल में जाए। झाड़ा लगे वाले उस गाने की फरमाइश की थी। जब मुझे झाड़ा लगेगा मैं सिर का लूंगा खटिया। अभी मेरा मन है होटल में जाने का, मुझे जाने दो। तो फिर आपने पूछा क्यों उससे गाना? शो जब खत्म होता है मेरे को बार पूछ रही, मेरा नाम लेता रहा कर, अर्चना जी ये अर्चना जी वो, मैं क्या करूं, मेरे भी फॉलोवर हैं तो मैं क्या करूं। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख ना रे हम, चलो इश्क लड़ाए हम। ये आवाज जो है मेरी उसको आने देना, मेन गाने का ये काम है। चलो इश्क लड़ाए किसी होटल में जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, खुश रहो, थैंक यू थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।